दोस्तों कोरोना महामारी के लिए पूरी विश्व अभी भी संकट में है, क्योंकि अभी भी इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। जब पूरी तरीके से हमारी नॉर्मल लाइफ वापस आ जाएगा तब हम फिर से टूर पे जाएंगे, फिर से घूमने जाएंगे। दोस्तों कोरोना के कारण हमारे बहुत सारे टूर प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, तो हम लोगों को नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। अब जब नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, नया प्रोग्राम जब तैयार करेंगे हम लोग, तब बहुत सारे डेस्टिनेशन भी, बहुत सारे लोगों का डेस्टिनेशन भी चेंज होगा। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में ऐसा 10 प्लेस के बारे में बात करेंगे जो आप लोग नॉर्मल लाइफ आने के बाद घूमने जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे है गैंगटॉक। जिन जिन लोग अभी भी गैंगटॉक नहीं गया वो लोग जरूर एक बार गैंगटॉक घूम के आइए। गैंगटॉक सिक्किम का कैपिटल सिटी है। गैंगटॉक से आप पूरा सिक्किम घूम सकते हो। पूरा सिक्किम स्टेट में आप जहाँ जाओगी सब जगह में प्रकृति अपना खूबसूरती लेके आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों गैंगटॉक कैसे जाइए, क्या टूर प्रोग्राम होना चाहिए, मतलब गैंगटॉक का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना के रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। फिर भी नया वीडियो बनाएंगे इन सारे डेस्टिनेशन को लेके। जो जो डेस्टिनेशन का बात मैं ये वीडियो में कर रहा हूँ, क्योंकि अब जब सब नॉर्मल लाइफ आ जाएगा तब बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसा बहुत कुछ नया नियम लागू होगा जो मानना पड़ेगा सब लोगों को, जिन जिन लोग घूमने जाएंगे। बजट भी बहुत चेंज होगा। दोस्तों नंबर 2 पे आता है और एक खूबसूरत हिल स्टेशन, शिमला एंड मनाली। दोस्तों पहाड़ में घूमने जाके आप जो जो चीज़ एक्सपेक्ट करते हो सब कुछ मिल जाएगा ये दोनों जगह में, और इसके साथ मिलेगा बोनस में टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस। तो नंबर 3 पे है गोवा। गोवा मशहूर है इनका खूबसूरत सी बीच के लिए, बट इसके अलावा बहुत सारे घूमने की जगह है जो आपकी माइंड को फुल रिलैक्स कर देगा। नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर लखनऊ। दोस्तों बहुत पहले लखनऊ का नाम था लखनावती। यहाँ पर मुगल साम्राज्य का बहुत सारे निदर्शन है, एक बार लखनऊ जाना जरूरी है। नंबर 5 पे आते हैं वेस्ट बंगाल की क्वीन ऑफ हिल दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारे टी एस्टेट है जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 6 पे है पंजाब की अमृतसर। दोस्तों अगर आप घूमने की शौकीन है तो इस जगह को आना चाहिए ही चाहिए। अमृतसर की सबसे खास चीज़ है यहाँ का स्वर्ण मंदिर एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट भंडारा। हर रोज यहाँ की गुरुद्वारा में लगभग 1,00,000 से आसपास लोग खाबार खाते हैं। दोस्तों नंबर 7 पे है आगरा। दोस्तों आगरा की ताजमहल दुनिया की सभी लोग जानते हैं, तो एक बार ये अपने आँखों से देखने के लिए जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारे मुगल सभ्यता की निदर्शन अभी भी है। नंबर 8 पे है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। अगर आप घूमने का शौकीन हैं तो आप जयपुर जरूर आइए। यहाँ पर बहुत सारे पुराने साम्राज्य की निदर्शन के साथ साथ राजस्थान की कल्चर भी आप देखेंगे। नंबर 9 पे है केरला। दोस्तों केरला एक कंप्लीट टूरिस्ट अट्रैक्शन स्टेट है। पूरी राज्यों में आपको मिलेगा ब्यूटीफुल नेचर के साथ साथ यहाँ का ब्यूटीफुल कल्चर। 10 से 15 दिन का एक खूबसूरत एक्सपीरियंस लेने के लिए केरला जाना अवश्य चाहिए। नंबर 10 पे है कश्मीर। दोस्तों इंडिया की ब्यूटीफुल प्लेस की बात हो रहे हैं और यहाँ कश्मीर का नाम ना आए ये तो हो नहीं सकता। कश्मीर को अर्थ की हेवन कहते हैं। दोस्तों यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है, जो प्राकृतिक नज़ारा है, ये देखने के बाद आप भी बोलेंगे हाँ ये तो सचमुच का हेवन ही है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेस है जहाँ पर आप एक बार घूमने के लिए जाना चाहते हो। तो आप कौन सा जगह जाना चाहेंगे सब कुछ सही होने के बाद, ज़रूर कमेंट करें। ये 10 जगह को छोड़ के अदर्स कोई भी जगह के बारे में
डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और ऐसे टूर रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।